पुणे के मुफस्सिल थाने की पुलिस ने गश्ती के दौरान वाहन चेकिंग के क्रम में रविवार की रात फिगो कार से एक युवक को 64 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके बाद गिरफ्तार युवक को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। बताते चले कि मुफस्सिल पुलिस लगातार अफीम, स्मैक व शराब के धंधे करने वालों पर नकेल कस रखी है, जिसको लेकर ऐसे कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस संबंध में मुफस्सिल थाना अध्यक्ष संतोष कुमार झा ने बताया कि रविवार की रात गश्ती के दौरान गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति उजला रंग के फोर्ड कंपनी के कार, जिस पर निबंधन संख्या BR11AP6308 अंकित है, उससे स्मैक या अफीम पदार्थ लेकर कटिहार से पूर्णिया की तरफ जा रहा है। उसी क्रम में सदडोब स्थित श्रीराम यार्ड के पास कटिहार पूर्णिया NH 131A सड़क पर पुलिस आने जाने वाली वाहनों पर निगरानी करने लगी, जिसके बाद वाहन को पकड़ने के बाद वाहन में चालक सीट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ पाया गया, जिन्हें पुलिस अभिरक्षा में लेकर नाम पता पूछने पर उसके द्वारा अपना नाम प्रिंस कुमार जायसवाल, पिता मंटू जायसवाल, साकिन गुलाबबाग, वार्ड संख्या 38, थाना सदर, जिला पूर्णिया बताया गया। वहीं प्रिंस कुमार उर्फ प्रिंस कुमार जायसवाल के शरीर की तलाशी लेने पर व उनके कार की तलाशी लेना प्रारंभ किया तो उक्त कार के पिछले सीट के कवर से उजला रंग के पन्नी में काले रंग का अफीम जैसा पदार्थ बरामद हुआ। इलेक्ट्रॉनिक तराजू से बरामद अफीम का वजन करने पर उसका वजन 64.6 ग्राम पाया गया। गिरफ्तार युवक ने बताया कि बरामद पदार्थ अफीम है, जो बंगाल से वह खरीद कर लाता है तथा चोरी छिपे जलालगढ़ सीमा स्थित अपने चाय दुकान में चोरी छिपे बेचता है तथा चाय में भी मिलाकर चाय बेचता है, जिससे ग्राहकों की इनके चाय की आदत हो जाती है एवं इनकी अच्छी बिक्री होती है। तत्पश्चात पकड़ाए प्रिंस को विधिवत गिरफ्तारी करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सर, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, उसके साथ क्या क्या बरामद किया गया और कहां से गिरफ्तार किया गया? प्रिंस कुमार नाम का एक व्यक्ति फोर्ड कंपनी का फिगो एस्पायर कार से कटिहार की से पूर्णिया की ओर जा रहा था। रात्रि गश्ती के दौरान 3:20 में एक सूचना मिली कि कटिहार की ओर से एक गाड़ी जा रहा है, उजला कलर का है, जिसमें नशीला पदार्थ है। तो हम लोग बेलोरी चौक से अपने गाड़ी का लाइट ऑफ करके आ रहे थे। जैसे ही ये गाड़ी सतडोब के आसपास श्रीराम यार्ड के पास पहुंचा तो हम अपना गाड़ी का लाइट बंद करके इसके सामने में लगा दिए, जिससे इसको भागने का मौका नहीं मिला। इसके बाद सात सशस्त्र बल के पुलिस पदाधिकारी के सहयोग से इसको पहले गाड़ी से उतारा गया, उसके बाद पॉकेट सर्च अपना सर्च करते हुए गाड़ी का सर्च करने के दौरान जो है इसके गाड़ी से अफीम 64.6 ग्राम बरामद हुआ। तो बरामद अफीम दो मोबाइल है, एक मोटोरोला का, एक और कौन कंपनी का है, दो मोबाइल बरामद हुआ है और 64.6 ग्राम अफीम है और एक फोर्ड कंपनी का फिगो एस्पायर कार है, जिसको जब्त कर और अभियुक्त को गिरफ्तारी जा बनाकर। ये कहाँ पे सप्लाई करता था ये सब? इसका अपना चाय का दुकान है जलालगढ़ में, ये चाय में भी मिला के इसको बेचा करता था चाय, जिससे टेस्टी होता था और कस्टमर इसी के पास ज़्यादा आए इस उद्देश्य से, और साथ ही अलग से भी यह बेचता था। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें Say24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं।